हम बात कर रहे हैं हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग आज के दिन की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली। ऑलमोस्ट 324 के लेवल से स्टॉक में गिरावट आई। सपोर्ट कहाँ लिया था? 260-264 के लेवल से वहाँ से एक जंप आया, अगेन सेलिंग देखने के लिए मिली। लेकिन आज के दिन में हम देख सकते एग्जैक्ट उसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता नज़र आया। इससे पहले रिजेक्शन भी फेस किए हुए स्टॉक ने 264-270 का लेवल उसी लेवल पर सपोर्ट लेकर रिकवरी स्टॉक में देखने के लिए मिली, बाइंग देखने के लिए मिली। तो नीचे की ओर जब तक 264 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक आप साइड के रिकवरी चांसेस में बने रहेंगे। सेम लेवल से ही सपोर्ट लेकर स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, तो यहाँ थोड़ा सा पहले इंतज़ार करते क्योंकि सेलिंग प्रेशर स्टॉक पर आया ज़रूर है, लेकिन इस सेलिंग प्रेशर के साथ सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन नहीं किया, सेम सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। तो इस बाउंस बैक के साथ अगर स्टॉक 300 का लेवल ब्रेकआउट करता है, यानी 300 अपना पहला टारगेट है, इमीडिएट टारगेट है, जहां क्लोजिंग देगा 280 वहां से अगर 300 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर वैसी सिचुएशन में अप ट्रेंड के चांस बनेंगे। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर गया तो फिर और गिरावट हाई ग्रीन दिखा सकता है, इसीलिए इसके ऊपर नज़र रखना है। वैसे तो चांस बन रहे अपसाइड के क्योंकि सेम सपोर्ट को ब्रेकडाउन नहीं किया, जंप आया है, लेकिन मार्केट गिरावट में था। आज के दिन तो रिकवरी मार्केट ने दिखाई है, लेकिन देखना अब यह है कि रिकवरी कितनी और कहां तक की नज़र आती है और उसका इम्पैक्ट हाई ग्रीन पर क्या नज़र आता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो 300 के लेवल पर नज़र रखना है, यहाँ तक का जंप आ सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है 300 के लेवल का ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट कर गया तो फिर नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा 320 के लेवल पर करेगा, फिर यहाँ तक के टारगेट स्टॉक दिखाता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।